जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम भैरोज है और मेरे साथ हैं बतूल। तो आज की जो हमने वीडियो बनानी है वो हम बनाएंगे विद रिगार्ड्स टू के वो क्या चीज़ें हैं जिसपे स्पेशली जो देसीज नॉर्थ अमेरिका में हैं, यूएस और कनाडा में, वो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और उल्टा नुकसान ही करते हैं, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो ये वो चीज़ें जिसपे बल्कि आपको पैसा खर्च करना चाहिए और लोग समझते हैं कि यहाँ हम पैसा बचाएंगे। तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी विच वॉज ऑन मिडिल क्लास चैलेंजेस और मनी चैलेंजेस, सो इससे रिलेटेड है। बट थोड़ी सी डिफरेंट ये वीडियो इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अपने एक वेकेशन ट्रिप पे भी लेके चलेंगे, क्योंकि हम वेकेशन ट्रिप पे जा रहे हैं और हमने सोचा क्यों ना आपको हम वेकेशन ट्रिप पे भी लेके चलें अपने साथ, और साथ साथ जो है ये जो हमारी वैल्यू एडिंग बातें हैं और एक्सपीरियंस हैं वो भी हम शेयर करें, तो हम आपसे कनेक्ट करते रहेंगे। जी दोस्तों, सो हम लैंड कर गए हैं यहाँ टर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट, ऑलवेज दिस इज़ बतूल। और इस बारी जो हमने एक अच्छी चीज़ ये की है कि हमने अपना ट्रैवल लाइट रखा है बहुत, सो दिस इज़ आवर लगेज अगर नज़र आ रहा है। और ट्रैवल लाइट रखने का फ़ायदा हमको ये हुआ है कि हमको ये जो सारा बैगेज क्लेम है ये हमको अब हम अवॉइड कर देंगे और हम जल्दी निकल जाएंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हमने किया है। अमूमन हम बहुत सारा सामान जो है वो एक टिपिकल लेके जाते थे, बट अमूमन जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो ज़रूरत भी पड़ जाती है आपको ज़्यादा सामान की, बट चूँकि अभी इस वक्त मेरा और बतूल का अपना ट्रिप है, सो वी कैप्ट इट वेरी लाइट एंड की कैप्ट इट वेरी इजी। अच्छा, ये मैं और बतूल कहाँ आए हैं? बतूल अब हम इस्तांबुल में कहाँ आए हैं? कादेकोए। और यहाँ हम जो हैं वो एक स्ट्रीट फूड ढूंढ रहे हैं इनका, विच इज़ लैम लिवर में है, और ये हमने पहले भी ट्राई किया था, सो वी आर लुकिंग फॉर दैट। ये हम यूरोपियन साइड पर हैं और इस जगह का नाम है बालोर। तो अभी हम जो हैं वो टर्की पहुंच चुके हैं और पीछे जो मॉस्क है वो ब्लू मॉस्क कहलाती है, उसको सुल्तान अहमद मॉस्क कहते हैं। पर तो टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक था अगर आपको याद है जो हमने बात की थी वो था कि वो कौन सी चीज़ें जिस पर स्पेशली देसी लोग हैं और वो भी कैनेडा यूएस में गलत पैसे बचा रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि वो पैसे बचा रहे हैं बट उनका फ़ायदा नहीं हो रहा वो पैसे बचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने भी मिस्टेक्स किए और मिस्टेक्स करके ही हमने लर्न किया, दो तरह से, एक तो किताबें पढ़ के लर्न किया है और हमको ये आइडिया हुआ कि जो समझदार लोग हैं, जो असल हेल्दी लोग हैं, नॉन मिडिल क्लास लोग हैं, वो कैसे पैसा बचाते हैं। और दूसरा ये कि जब हमने खुद वो मिस्टेक्स की तो हमको तभी उससे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो पैसा लगा रहे हैं या बचा रहे हैं ये गलत जगह से बचा रहे हैं, हमको पैसे कहीं और से बचाना चाहिए बल्कि ये वो जगह जहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए। तो हमारे पास है कुछ पहला जो मुझे है वो ये है कि जब आप कोई एडवाइस दें, और एडवाइस मुराद ये कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग के चैनल में जिसमें इमिग्रेशन की बहुत बात करते हैं, कनाडा की इमिग्रेशन, यूएस की इमिग्रेशन, लोगों को किसी तरह मुफ्त एडवाइस चाहिए यार, बस मुझे मुफ्त मशवरा मिल जाए। होता है कि मुफ्त मशवरे की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बुरी हो क्योंकि वो आपको मुफ्त मशवरा मिला। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फॉर इंस्टेंस किसी को रीच आउट करेंगे और जब वो पैसे मांगेगा कि मेरी कंसल्टेंसी के पैसे हैं, अगर कोई कंसल्टेंट है उसके पैसे हैं,
तो वो देने से इनकार करें। और उससे होता है कि मिस्टेक हो, मैंने ये मिस्टेक कैसे की, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने फादर का जो है वो पेरेंट वीज़ा लगवाना था और मैंने कहा मैं किसी की हेल्प नहीं लूँ, तो तुम मुझे एडवाइस करती रहेगी किसी की हेल्प ले लो। मैंने कहा मुझे पता, आई रीड एवरीथिंग, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझदार आदमी हूँ। मैंने पढ़ लिख के सब कुछ करके अप्लाई कर लिया। हुआ ये कि उस वक्त मेरा पहला टैक्स रिटर्न फाइल नहीं था, मेरे पास सिर्फ T4 था और उसमें लिखी होती ऑप्शन कि आपको सिर्फ अपनी इनकम प्रूफ करनी है, T4 और टैक्स रिटर्न। तो मेरा T4 आया था, मैंने अपना T4 सबमिट करके अप्लाई कर दिया, वो मेरा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब फिर मुझे पता नहीं रिजेक्ट किसने हुआ, तो फिर मैंने जो है वो पता कराया कि जैसे रिजेक्ट जो है वो इसलिए हुआ है, वो भी तरीका होता है। क्या मैंने जो है उससे T4 से सबमिट कराया था और T4 जो है मुझे, और मुझे 12 महीने नहीं हुए कैनेडा में रहते, इसलिए रिजेक्ट हुआ। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल ये है कि मैं अपने फादर ही का जो है वो पेरेंट वीज़ा रिन्यू करा था, तो मेडिकल की रिक्वेस्ट आ गई और मेडिकल की रिक्वेस्ट ने भेज दी, जबकि उनका मेडिकल 2 महीने पहले पहुँच चुका था। और मैं जो वो बेवकूफ़ों की तरह मेडिकल सबमिट करने लग गया, तो मेडिकल की कॉस्ट जो है वो यहाँ मुझे आराम से पड़े कि अराउंड $500। मैं US में होता हूँ और मैंने जो उनका कैनेडा का वीज़ा करना था, और मेरा भाई कैनेडा में, एंड आई एंडेड अप और वॉज वेरी क्लोज टू पेइंग दोज $500। और मुझे $500 नहीं खल रहे थे, पर वो कंसल्टेंट को फीस देने में $150 ताकि वो अपनी एडवाइस देते, वो मुझे बुरे लग रहे थे यार, ये पैसे तो ज़ाया होते हैं, पर मैं और कंसल्ट कर लेता हूँ। सेंस इन नहीं, उससे कहा पूछो, मैंने वो 150 कंसल्टेंट को दिया और कंसल्टेंट ने कहा आपको मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है, ये एक लिंक है, इस पर जाएँ और इस पर अपना पुराना मेडिकल आप सबमिट करें। मैंने कहा मेरे पास पुराना मेडिकल नहीं है, उसने वो भी मुझे बता दिया कि कहाँ से मिल जाएगा। सब मिल के करके आई वॉज ओनली एबल टू पे, आई ओनली पेड $150 और मेरे $500 के जो है नुकसान अपना बचा। तो एनीवेज, ये एक एग्जांपल है कि कोई भी कंसल्टेशन सर्विस हो, ये अमूमन टैक्स के केसेस में होती है, जब आपने अपना टैक्स फाइल करना होता है, हेल्प $100-$200 से कुछ नहीं होगा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत, पर आप एक तो नॉलेज भी गेन कर लेंगे, आप नॉलेज गेन कर लेंगे, कंसल्टेंट्स को चेक करें। इसी तरह लोग जो हैं, सॉरी बिल्कुल लाइन हमारे पास भी पॉइंट होगा, बट इसी तरह लोग जो हैं जब करियर की डिस्कशन होती है, लगे में अप्लाई किए जा रहे हैं, मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, वहीं इंटरव्यूज में वही मिस्टेक्स कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो लूज़ कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी को हायर नहीं करना, किसी से एडवाइस नहीं लेनी कि अरे मेरा रेज्यूमे बनाओ या मुझे थोड़ी सी टिप्स दे दो कि इंटरव्यू करते कैसे। और इसकी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग करता हूँ इंटरव्यूज, और लोग मुझे मैसेज करेंगे कि सर बस 10 मिनट दे दें, 10 मिनट में सेशन कर लें मेरे साथ। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा प्रॉपर सेशन होता है 40 मिनट्स का, यू वॉन्टेड टू टाइम दे, तो 10 मिनट में आपको एडवाइस नहीं दे सकता। और वो लोग ये करते हैं, 10 मिनट का करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद साल बाद भी उनका मैसेज आ रहा होता है कि हमारे यहाँ पर जॉब लगी। एनीवेज, दिस वाज वन पॉइंट फॉर मी, आई थॉट श्योर लंबा हो गया, बट इट्स गुड टू बी। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग द टिपिंग कल्चर, और टिपिंग कल्चर से बख्शिश कहते हैं, या आप कह दें कि जो हम टिप देते हैं ना, वो हमारे बेसिस में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेसिफिकली जब आप इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया से आ रहे हैं, तो ये मुझे पाकिस्तान से स्पेसिफिकली पता है कि हमें, हम टिप नहीं देते। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग हर कोई ऐसे करता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ये समझती है कि अगर हम किसी सर्विस के पैसे दे रहे हैं या अगर हम कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट हमें आ रही है दैट शुड बी इट, और हम इसके ऊपर ऑन टॉप उस बंदे को जो वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो यूजुअली जो है वो कॉस्ट नहीं पे करना चाहते। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये हमने आके अनलर्न की हैं, बिकॉज जब हम आए एंड वी मूव टू कैनेडा, और कैनेडा में हमने ये स्पेसिफिकली देखा कि वहाँ पे ये चीज़ जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो यूजुअली ये होता है कि व्हेन यू आर पेइंग, उसमें वो आपको परसेंटेज ऑलरेडी बता देते हैं कि आपको कितनी परसेंटेज जो है वो देनी है, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं। नॉट दैट कि इट्स मैंडेटोरी तो नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप करें, लेकिन वो आपको ऑप्शन देते हैं। तो 15% से स्टार्ट होता है, सॉरी 10% से स्टार्ट होता है कैनेडा में, 10, 15, 18, और उसके बाद आप अपनी कस्टम टिप भी डाल सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सर्विस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उनको एक बेस, जिस तरह सेल्स में नहीं होता एक बेस प्राइस मिलती है, एक बेस आपको सैलरी मिलती है, बाकी उनकी सारी जो कमाई है वो कमीशन यानी कि टिपिंग के थ्रू होती है। तो टिप देना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप उनका हक मार रहे हैं एक तरह से, बिकॉज दिस इज़ हाउ दे अर्न। अच्छा, उसमें होता क्या है कि मुझे भी ये बात पता इस तरह से चली कि मैं किसी सैलॉन में गई और वहाँ पर मुझे किसी ने ये फीडबैक दिया कि यूजुअली जब मैंने उसको टिप किया, तो उसने मुझे कहा कि यूजुअली, उसे मेरी अच्छी गपशप लग गई थी, तो उसने मुझे ओपन अप किया कि उस बंदी ने, और उसने कहा कि देखिए यूजुअली जो एशियंस होते हैं, एशियंस में हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर, चाइना, ये सारे लोग भी आ जाते हैं, जो एशियन पॉपुलेशन है और जो आपकी साउथ एशियन पॉपुलेशन है, ये सबसे ज़्यादा स्टिंजी है, यानी सबसे ज़्यादा कंजूस है टिप देने के चक्कर में। तो ये फिर हमने आके जब US आए, तो US में और ज़्यादा इसका कल्चर है, यानी कैनेडा से भी ज़्यादा है,
तो वहाँ पे जो है वो टिप स्टार्ट ही 18% से होती है। अब आप कह रहे होंगे कि ज़रूरी तो नहीं है, हम क्यों दें? डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सोचें कि ये स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे कि आपको सिर्फ ऑर्डर आप कर रहे हैं ऑन द काउंटर इटसेल्फ, वहाँ तक वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो ये दें, मतलब टिप दें। तो दिस इज़ समथिंग विच वी हैड टू अनलर्न एंड बेसिकली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बिकॉज वी फेल दैट इट्स अनफेयर और बिकॉज यूजली पीपल इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आर बैंकिंग ऑन दैट, तो दे रियली एक्सपेक्ट दैट और वो आपको एक तरह से अच्छी सर्विस भी इसीलिए दे रहे होते हैं बिकॉज दे वॉन्ट दैट इन रिटर्न। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी देसीज रियली नीड टू वर्क ऑन। आई थिंक वी आर प्रीटी मच डन, मेरे पास एक और पॉइंट था अबाउट हाँ, तो आई थिंक वी शुड कवर इट लेटर, ठीक है? सो वी फाइंड अनदर लोकेशन एंड देन वी डू इट बिकॉज़ हमारा खाना आ गया एंड नाउ वी आर ईटिंग। हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो हमने पहले बात करनी थी, सिर्फ ये कि एक चीज़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी विच इज़ वी आर ऑन ऑन अ वेरी नाइस स्ट्रीट बट यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है तो गाड़ियाँ जा रही हैं और ये हम जो हैं अब एशियन साइड पर हैं इस्तंबुल के, तो पहले जो हमने क्लिप्स बनाए थे वो थे ऑन द यूरोपियन साइड, तो ये एशियन साइड पर है। अच्छा चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक पर आने से मुराद ये कि एक जो थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट वाज इंश्योरेंस। तो लोग अमूमन बड़ी कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस से पैसा बचाएं और स्पेशली इंश्योरेंस विद रिगार्ड्स टू या घर की या गाड़ी की या लाइफ की या मेडिकल की। ये वो इंश्योरेंसेस हैं जो कि इनके दो चीज़ें, एक तो ये कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यू कैन वेक अप टुमारो हेल्दी और कल आप उठेंगे आप हेल्दी ना हो। और दूसरी ये कि अगर ये हो जाए हिट कर जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक तो वो वारंटीज़ होती है ना कि मैंने जो है वो कोई लैपटॉप लिया उसकी मैंने वारंटी ले ली, तो लैपटॉप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और लैपटॉप के ख़राब होने के अगर आपने अच्छा लिया है चांसेस कम है, बट हेल्थ का कुछ पता नहीं। सो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, ही सॉ हाउस बर्निंग इन कनाडा, घर उसने जलता देखा, उसने बल्कि नॉक किया, उसने बताया कि आपका घर जल रहा है, ऊपर से धुआं उठ रहा है और बाद में उसका अखबार में नाम भी आया था। और सो लेटर मैं उससे पूछ रहा था कि कैसा था वो एक्सपीरियंस, कहता खैर वो आई वॉज एबल टू सेव देम, पर उसने कहा कि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं ली थी घर की, सो पूरा घर जल गया और घर की इंश्योरेंस नहीं। सो घर की इंश्योरेंस बहुत हाई वैल्यू है, गाड़ी की इंश्योरेंस, अच्छा गाड़ी की इंश्योरेंस भी क्या होता है कभी कभी कि लोग अपनी एंड पे तो इंश्योरेंस ले लेते हैं कि मेरी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी, बट पैसा बचाने के चक्कर में दूसरी की प्रोटेक्शन ख़त्म कर देते हैं कि यार अगर मैं किसी को हिट कर दूं तो उसकी लायबिलिटी देने पे मेरे ऊपर ना आए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो
देखिए जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो मेक श्योर कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और दूसरे को भी प्रोटेक्ट करें, दूसरे की लाइबिलिटी को भी प्रोटेक्ट करें। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाड़ी की इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, इसी तरह मेडिकल की इंश्योरेंस। फॉर इंस्टेंस जो मेरे कोई भी रिलेटिव जो हैं, प्राइमरली फादर जो हैं, वो जब कनाडा यूएस ट्रैवल करते हैं तो मैं उनकी मेडिकल इंश्योरेंस करता हूँ। और मैं हर बारी कराता था और मैं पिछले 2-3 साल से करा रहा था, तो मैं कहता था ये पैसे तो ज़ाया जाते हैं। बल्कि सो मच सो हुआ ये कि मैंने उसका डिडक्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि ठीक है अगर कोई खुदा ना खासा हादसा हो जाएगा तो आई एम रेडी टू पे 2000 फ्रॉम माई पॉकेट एंड बैलेंस विल कम फ्रॉम द इंश्योरेंस। और हुआ ये कि देर वॉज वन टाइम जब उनका वाकई एक्सीडेंट हो गया, ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, आई वॉज लाइक वाह, एक तो गुड आई हैड इंश्योरेंस, मुझे कोई और चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी सिवाय ये कि मैं उनकी हेल्थ की फिक्र करूँ। और अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं होती तो मैं हेल्थ के साथ साथ मैं पैसों की फिक्र कर रहा हूँ। बट दूसरा ये डैमेजिंग ये हो कि मुझे हाई डिडक्टेबल देना पड़ा। सो गाड़ी, हेल्थ, घर, ये वो इंश्योरेंसेज हैं जिनको आपको हर हाल में जो है कोशिश करनी है कि इसको कवर करें। एनी वेज बतूल ओवर टू यू। वो जिस पर मैंने बात करनी थी और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अपनी वीडियोस में ये मेंशन करूँ अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो मैं आपको ये बहुत पढ़े लिखे तबके की बात बता रही हूँ कि जिनमें के हमारा उठना बैठना है, और हमने ये नोट किया है कि उनका भी फोकस जो है वो हेल्थ पे स्पेसिफिकली बहुत कम। और इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों में साउथ एशियंस में, अगेन पाँचों में बराबर नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है एटलीस्ट 80% लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो लेट्स अज्यूम वो काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो जिम को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, वो सुबह उठेंगे वो कहेंगे यार मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, ये तो हो जाएगा, एक्सरसाइज तो हो जाएगा, जबकि एक्सरसाइज इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है वर्सेज द वर्क। मतलब काम भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन हेल्थ, वो जो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते। हम जिम मेंबरशिप्स नहीं लेते, हमें वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। जो लोग, जिन लोगों ने जिम मेंबरशिप्स नहीं ली हैं वो उनको अवेल ही नहीं करते, वो उन्होंने बस मेंबरशिप ली है उसके पैसे हर महीने जा रहे हैं एंड दे डोंट अवेल इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसको टोटैलिटी में देखते हैं ना, तो ये बाद में आपको रियलाइज़ होता है जब हम एज करते हैं और आप देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा क्यों है। इसलिए बिकॉज दे नॉट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ दे हैव, नॉट बिकॉज इट्स द डेवलप्ड वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो बिकॉज द फोकस इज ऑन योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, फिर न्यूट्रिशन आ जाता है। न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना। तो आपने देखा हमारे जो देसी खाने हैं अनफॉर्चुनेटली होते तो बड़े मज़े के हैं, लेकिन हम क्या खाते हैं, सारे के सारे खानों में जो है वो या तो वो इतने ओवर कुकड होते हैं वेजिटेबल्स जो हैं हमारी, या जो भी हम मसालों में अपना जब खाना पकाते हैं, हमारे जो सालन है या जो कौरमे हैं या बिरयानियाँ हैं, ये बहुत एक तो मसाले वाले खाने, तो दैट बेसिकली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एज़ वेल। चले वो भी छोड़ दें, तेल उसमें बहुत ज़्यादा है, उस खाने में हमारे खानों में ऑयल बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर खाने हमारे जो हैं वो ज़्यादा पीरियड के लिए कुक होते हैं। और अगर आप ये गूगल करें, रिसर्च करें, इस पर तो आपको पता चलेगा कि जो खाना ओवर कुक होता है, ओवर कुक से मतलब कि जो खाना ज़्यादा देर के लिए पका होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर एक चीज़ को आप 5 मिनट के लिए पकाएंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होगी वर्सेज अगर आप उसे घंटे के लिए पकाएंगे। और आप देखें हमारे सारे खाने जो हैं वो हम उन्हें कितनी देर के लिए कुक करते हैं, ऑयल में होते हैं, डीप फ्राइड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं खाने से बहुत फर्क पड़ता है। इवन बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो जो है वो कहते हैं कि वो हेल्दी नहीं है, इंटरनली दे डोंट फील गुड। उसका रीज़न ये है कि डाइट सही है। तो मेडिटेरेनियन डाइट जो है दैट इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट डाइट जिसे कहते हैं। और देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून आप जो है वो अपने देसी खाने खा सकते हैं। अपनी डाइट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है के लिए, अनलर्न करना उन चीज़ों को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं और बहरोज जो हैं, हम लोगों ने बहुत अरसे तो बिरयानी जो है वो खानी छोड़ दी थी, और बिरयानी की क्रेविंग होती थी तो हमने किनोआ में बिरयानी बनानी शुरू कर दी थी। एंड आई नो किनोआ बिरयानी इज़ नॉट, किनोआ इज़ लाइक अ ग्रेन, तो किनोआ इज़ नॉट द सेम थिंग इज़ राइस, लेकिन इट इज़ न्यूट्रिशनल। तो यू कैन डू मॉडिफिकेशन, खासकर जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो डाइट मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। फिर मैंने एक आध लोगों से जब बात की है तो उनका इस तरह की चीज़ होती है कि नहीं भाई खाने पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, टेस्ट पे, खाना है तो सब कुछ है, और सही है खाते खाते मर जाएंगे। अब देखिए ये अप्रोच की बात, आप में से हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिस तरह सोचते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। हम बात वो कर रहे हैं कि जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड मेक चेंजेस इन लाइफस्टाइल फॉर द बेटर, तो
तो ये उस सेंस में है. ओवर टू यू. तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दूँ, ये वैसे दिस इज़ अ गुड आइडिया टू होल्ड इट क्लोज. अच्छा, अगर इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दूँ, एक तो ये कि जो बतूल ने बात की जिम में लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है. आप आई कैन टेल यू दिस इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड. आप जो जिम में टाइम लगाते हैं ना, वो इट कम्स बैक टू यू. क्योंकि आप जब भी दिन में तो 24 घंटे वो तो ज़्यादा नहीं होंगे, बट जिस टाइम आप काम कर रहे हैं इसको फोकस आपको बहुत बेहतर होगा. आप जो है अच्छा फील करेंगे वर्सेस ये कि काउच पे बैठे. मतलब घंटा काउच पे बैठने से अगर आप जो है वो जिम कर लें तो वो आप लेथार्जी अवॉइड कर लेंगे, तो वो एक्स्ट्रा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा. सो अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड इन द जिम वो आपको वापस मिल जाता है हमेशा. दूसरा ये कि लोग जो है वो बाद में सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इससे बेहतर नहीं है कि आप पैसा खर्च करके अच्छा खाना खा लें, अच्छी दूसरी कर लें, अच्छे जो है वो वर्सेज ये कि सस्ता खाना खाने से. और खाने से सस्ता खाने से मुराद मतलब ये कि जिसमें केमिकल्स डले हों. सो और ऑर्गेनिक ले लें. आई नो ऑर्गेनिक होगा होता है, हम भी ये नहीं कि सब कुछ ऑर्गेनिक खा रहे हैं. कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनिक कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम ऑर्गेनिक कर सकें. और एग्जैक्टली प्रोसेस इन गुड वर्ड की पैकेज फूड कम से कम. तो ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह बतूल कह रही है कि कोल्ड टर्की होने की जरूरत नहीं है, बट जितना कम से कम करेंगे उसको बेहतर है. हमारा मसला ये है कि हम फोकस नहीं करते. हम बोलते हैं कि यार यहाँ $2 बच जाएँ, मैं सस्ती चीज़ उठा लूँ खाने की, मैं जिम के पैसे ना दूँ, मैं वर्कआउट ना करूँ, मैं जिम का कोई इक्विपमेंट ना लूँ. और उस चक्कर में जो है आप वहाँ पैसे बचा रहे होते हैं और सप्लीमेंट्स में पैसे लगे हुए हैं, मेडिकल के पैसे जा रहे हैं सारे. सो दिस इज़ डैमेज. एनीवेज, मतलब पॉइंट बोलो कि आई हैव अनदर पॉइंट. द अदर पॉइंट वाज़ ऑन आई कैन मेक अनदर पॉइंट. अच्छा, एक और चीज़ जो लोग पैसे बचाते हैं, और मैंने भी ये गलती बहुत की है, वो ऐसी चीज़ पे जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है वर्सेज ये कि जिसकी यूटिलिटी कम है. इससे क्या मतलब है? जैसे आपका जो है 3 डेज वर्क फ्रॉम होम, 3 दिन आप घर से काम करते हैं, 2 दिन आप ऑफिस जाते हैं, इसका मतलब आपकी गाड़ी की यूटिलिटी बहुत कम है क्योंकि आप गाड़ी कम से कम यूज़ कर रहे हैं. और हो सकता है आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बच्चों के स्कूल नज़दीक हैं और आपकी गाड़ी की यूसेज कम है, पर गाड़ी पे आप बहुत पैसा लगा, यूटिलिटी उसकी कम है, यूज़ इसका कम है, पर आप गाड़ी पे बेहतरीन पैसा, मतलब वो मर्क ले लें और महंगी से महंगी गाड़ी लें. लेकिन छोटी चीज़ जैसे घर का फॉसेट, किचन का फॉसेट, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि किचन का फॉसेट सिर्फ रोज़ यूज़ हो रहा है. जो आपका बेड है जिस पर आप सोते हैं वो रोज़ यूज़ हो रहा है, जो आपकी ब्लैंकेट है वो रोज़ यूज़ हो रहा है. इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की यूज़ की, उस पर हम पैसे बचा लेंगे कि यार ये प्लास्टिक का ले लें, ये सस्ता लें. डस्टबिन, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, डस्टबिन की ये सस्ता ले लें, प्लास्टिक का है, $4 वहाँ बचा लें. लेकिन गाड़ी जिसकी यूटिलिटी कम है बट उसका शशका ज़्यादा है, तो वो गाड़ी आपने बेहतर से बेहतर. सो हमेशा सोचें किसी चीज़ की यूटिलिटी क्या है और उसकी जो है वो स्टेटस वैल्यू क्या है. हम स्टेटस वैल्यू के चक्कर में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं वर्सेस ये कि हम यूटिलिटी खर्च करें. फॉर एग्जांपल जूते, जूतों पे पैसे बचा लेंगे. खैर जूते में थोड़ा सा स्टेटस भी आ जाता है क्योंकि जूते लोगों को नज़र आते हैं, तो उन लोग अच्छे जूते भी ले लेते हैं इस चक्कर में. बट कम्फर्टेबल जूते, ये आपको पता है कि यार इसकी यूटिलिटी, इसमें मैं चलता हूँ, मुझे तकलीफ ना दे, मुझे पेन ना दे, शुड एंड शुड लुक गुड एज वेल. सो ऑलवेज गो फॉर यूटिलिटी वर्सेस गोइंग फॉर स्टेटस. अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात टाइम के. टाइम इज़ मनी, और अक्सर हमारे देसी कल्चर में तो आपको पता है टाइम इज़ नॉट मनी, क्योंकि टाइम पे पहुंचना कहीं कोई इंपॉर्टेंस कोई माने नहीं रखता. शादियां हमारी आप देख लें कि जिनके जो टाइम आपका कार्ड पे लिखा होता है, लोग उससे 1 घंटा 1.5 घंटा तो बाजू का 2 घंटे देर से आते हैं, क्योंकि उनको पता है फंक्शन स्टार्ट नहीं होता. इवन जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे ऑल्सो डोंट फॉलो द टाइम बिकॉज दे नो कि इस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है. जब आप 5 बजे का टाइम देते हैं तो वो 5:30 के बीच में कहीं आएंगे, या फॉर एग्जाम्पल 6 बजे तक आएंगे. 1 घंटा 1.5 घंटे की देरी को मान ही नहीं रखते. इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कितना बड़ा शौक लगता है और आप कितना आपको ये हिंडर करता है आपकी प्रोग्रेस में, स्पेशली वन यू कम टू नॉर्थ अमेरिका. तो ये एक चीज़ है. उसी चीज़ में ये बताना चाह रही थी कि टाइम सेव करना जो है, यानी अपने लिए टाइम जेनरेट करना, इज़ एन आर्ट एंड इट बेसिकली इज़ अ स्किल जो हम लोगों को नहीं आती. मैंने जब मैं आई यहाँ कनाडा, हम लोग मूव हुए थे, तो मुझे याद है कि बहुत से लोगों ने मुझे इस तरह की एडवाइस दी कि घर तो खुद साफ़ कर लेते हैं, बुलाने की क्या ज़रूरत है क्लीनर्स को. और देखें, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्लीनर इज़ एक्सपेंसिव. शुरू में जब आपकी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, या जब आप पेड आपकी जॉब्स नहीं होती स्टेटली, उस वक्त तो आप ऑब्वियसली नहीं बुलाते, आप खुद करते हैं और करना भी चाहिए. लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन क्लीनर नहीं बुलाते, सिर्फ इसलिए कि यार यहाँ पैसे बचा लें, क्लीनर को क्यों दें. और वो कंपैरिजन में फंसे रहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो इतना कम है, इंडिया में तो इतना कम है. हाँ, बिल्कुल कम है पर आवर, क्योंकि वहाँ लेबर चीप है. लेकिन यहाँ लेबर वो भी यूज़ करना, क्लीनर को बुलाना, यानी क्लीनिंग सर्विसेज को बुलाना, वो आप अपने लिए टाइम जनरेट कर रहे हैं. उसमें आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं उस टाइम में, जिस टाइम में कि आपको अपनी सफाइयाँ करनी. रेगुलर सफाई की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है,
तो ये एक चीज़ है. सर्विस कोई भी सर्विस जैसे है वो हम यूज़ नहीं करना चाहते. फॉर एग्जांपल गाड़ी की क्लीनिंग मेंटेनेंस है जो उसको हम क्या कहते हैं गाड़ी की क्लीनिंग डिटेलिंग वो करवाते नहीं हैं लोग बिकॉज वो कहते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट क्योंकि जो है वो खुद कर लेंगे. तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है आप कोने कुदरों में गाड़ी के तो नहीं सकते ना. तो लॉट ऑफ टाइम्स यू एंड अप यू नो इन अ मोर ऑफ अ मेस वर्सेस लाइक नॉट पेइंग फॉर दैट सर्विस. और वो टाइम अगेन टाइम देखें टाइम की बात आ जाती है कि जो टाइम आप लगाएंगे इन क्लीनिंग योर कार यू कैन ईजली गेट दैट डन. तो इफ़ यू हैव द मीन्स क्रिएट टाइम फॉर योर सेल्फ वर्सेस के आप जो है वो टाइम लगाएं और पैसे बचाएं. अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं इसमें बोलूँ कि मैं चैलेंज बताऊँगा मेरे पास इसका इस वक्त सॉल्व नहीं है सॉल्व है लेकिन मे बी नॉट फॉर दिस वीडियो. कि एक वजह ये है कि लोग टाइम इसलिए भी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और पैसे बचाते हैं क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि यार अच्छा ये टाइम बचा लें तो उसका करें क्या. क्योंकि exactly. फिर उनको ख्याल आता है कि अच्छा टाइम बच गया तो मूवी देखें या हम चिल करें या रिलैक्स करें. मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस टाइम को प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं कोई किताब पढ़ लें कोई नॉलेज कर लें और बहुत सी चीज़ें. तो आई थिंक इट्स अ बिगर डिस्कशन और स्पीक अलग से वीडियो बननी चाहिए विच इज़ फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को ये चैलेंज होता है कि हम 9 to 5 काम करते हैं हमारे पास जो है वो टाइम बचता ही नहीं है फैमिली के लिए. तो आप यू क्रिएटिंग टाइम फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू डू समथिंग प्रोडक्टिव राइट. सो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए आई थिंक वी क्रिएट अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ऑन योर पर्पस ऑन व्हाई वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपने वो सोची नहीं हुई तो फिर अमूमन आप स्ट्रगल ही करेंगे अच्छा टाइम बचा लिया आप क्या करेंगे. तो आई थिंक वो भी एक चैलेंज है बट नॉट फॉर दिस वीडियो फॉर सम अदर टाइम. एनीवेज गाइस थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. और हम जो है प्लीज़ आप हमें बताइएगा इस वीडियो में जो कमेंट्स में कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि देसीज करते हैं विच इज़ बेसिकली समथिंग विच यू हैव टू अनलर्न व्हेन यू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी जो आपका बेसिकली इंडिया पाकिस्तान साथ बाहर निकलते हैं. कोई ऐसी चीज़ है जो आपने देखी है जो आपको लगता है कि ये जो है वो अनलर्न करना चाहिए ये मुझे सीखनी पड़े तो प्लीज़ डू शेयर. तो पैसे बचाएं लेकिन सही जगह से बचाएं और पैसे लगाएं जहाँ लगाने चाहिए जहाँ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एज़ वेल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें. और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और पूरी वीडियो सुन ली है तो बहुत अफसोस की बात है सब्सक्राइब करें. थैंक यू.